आटा कुटवाली के ढाड़ा खुर्द गांव के टोला बिलवनिया निवासी किशोरी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी सूचना मिलने पर मंगलवार को कमिश्नर जयंत नार्लिकर, डीआईजी राजेश जी मोदक ने गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पूरे गांव को सील कर दिया तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कानपुर के आसरा आवास कॉलोनी के हर्ष नगर निवासी एक किशोरी 30 अप्रैल को चलकर 1 मई को अपने जीजा के साथ ट्रक से यहाँ पहुंची थी। वह वहां रहकर पढ़ाई करती थी। 2 मई को ग्रामीणों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टोले में पहुंचकर थर्मल स्कैनिंग की। संदेह होने पर उसे सेवरही सीएचसी के आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटाइन करा दिया। वहां से उसका थ्रोट स्वाब का नमूना लेकर मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजा गया। वहां से सोमवार को इसकी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं मिली तो दोबारा नमूना लेकर भेजा गया। मंगलवार की सुबह आई रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर ढाडा खुर्द के बिलनिया के चारों तरफ से सील कर दिया है। ट्रक लेकर सलेमगढ़ से सामान उतरवा रहे कसिया थाना क्षेत्र के गांव परसौनी मुकदहा निवासी उसके जीजा को भी पुलिस ने सिवरही सीएचसी के अलावा आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटाइन कर दिया है। इस दौरान कमिश्नर डीआईजी के अलावा डीएम भूपेंद्र एस चौधरी, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने कहा, की प्रोटोकॉल है और इसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो हम लोग SOPs बोलते हैं। ये पूरा राजस्व ग्राम सील कर दिया गया इसी क्रम में और इसमें जो है स्वच्छता, सैनिटाइज और जो इनकी खाद्य की आवश्यक चीज़ें उनकी डोर स्टेप डिलीवरी हो जाए, इन 3 चीज़ों के अलावा कोई भी बाहर ना आ सकेगा ना जा सकेगा। बिल्कुल कम्प्लीटली ये ब्लॉक रहेगा। जो चिकित्सकीय सुविधाएँ यदि किसी को आवश्यकता पड़ेगी वो दे दी जाएंगी, उसके अलावा ये कम्प्लीटली सील रहेगा। ब्रॉड स्तर पर इसमें सैम्पलिंग करने की आवश्यकता होगी और उसमें जो भी सिम्टोमेटिक है उनको करेंगे। बाकी कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ऑलरेडी कर दिया गया है, जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके सैंपल RMRC में भेज दिए गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय, SP साहब और CMO के नेतृत्व में जो टीम है वो इसको कॉन्टेन करेगी। ये कुशीनगर का पहला केस है और हम आशा करते हैं कि हम ऐसी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करेंगे कि इसके बाद यहाँ पर केस ना आए। एटलीस्ट बिल्कुल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग SP साहब कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने ढूंढ लिया है और इसको हम बहुत जल्दी उसमें उसका जो भी जनपद से आई है कानपुर या जहाँ से भी आई है उनके जनपद के प्रशासन को पुलिस को सूचित कर दिया गया है और हम आशा करते हैं कि इसको हम बहुत शीघ्र ही हम इस पर कॉन्टेंट कर पाएंगे।